दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। अब हम बात करने जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट की एक और नई भर्ती के बारे में। दोस्तों पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट ने एक बार फिर नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया है जिसके तहत वे असिस्टेंट इंजीनियर के खाली पदों को भरने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट लंबे समय से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों की ओपनिंग्स का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छा मौका है। इस एडवर्टाइजमेंट के जरिए असिस्टेंट इंजीनियर के खाली पड़े हुए 70 पदों पर सुटेबल कैंडिडेट्स को नियुक्त किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद जो जो आवेदक सिलेक्शन प्रोसेस के सभी चरणों को पूरा कर लेंगे उनको ₹55,000 पर मंथ के लिए आकर्षक वेतन दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इन पदों को भरने के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि सभी कैंडिडेट्स अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की दी हुई रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक कर ले, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट इत्यादि, क्योंकि यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सभी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो चलिए एक नज़र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आवेदकों का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास होना आवश्यक है और साथ ही साथ अगर बात आयु सीमा की जाए तो आवेदकों की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो आवेदक इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे वो भी अपने आप को इस भर्ती के आगे के चरणों से बाहर ही समझे। इन बातों के साथ साथ कैंडिडेट्स को एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होगी जो कि है लास्ट डेट। जी हाँ दोस्तों, सभी आवेदकों को एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहले ही भरकर सबमिट करने होंगे जो कि है 15 दिसंबर 2018। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। यहाँ पर आप ये नोटिस देख सकते हो, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भर्ती निकली है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता, असैनिक या यांत्रिक के खाली पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प दिनांक 18/7/2000 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अधीन लोक सेवा स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता असैनिक के कुल 64 एवं सहायक अभियंता यांत्रिकी के कुल 6 रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन। वैसे सुगोय उम्मीदवार जो भारत के नागरिक है से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर आप वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। कैटेगरी वाइज सहायक अभियंता असैनिक के लिए कुल पद 64 है। अनुसूचित जाति में इसके अंतर्गत 9 वैकेंसीज है। अनुसूचित जनजाति में वैकेंसीज नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 14 वैकेंसीज है। पिछड़ा वर्ग में 5 है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 4 वैकेंसीज है। सामान्य के लिए 32 है। सहायक अभियंता यांत्रिक कुलपद इसके लिए 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 1 है। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए वैकेंसीज नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 1-1 वैकेंसी है। सामान्य के लिए 3 है। उसके बाद यहाँ पर आप आरक्षण चेक कर सकते हो। राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसके सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए गए आदर्श रोस्टर क्लियरेंस का अनुपालन किया जाएगा। मानदेय देख सकते हो। विभागीय संकल्प दिनांक 24/9/2018 द्वारा निर्धारित 1,55,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। क्वालिफिकेशन भी आप यहां से रीड कर सकते हो। सहायक अभियंता असैनिक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में सिविल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो। सहायक अभियंता यांत्रिक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में डिग्रीधारी हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से मैकेनिकल अभियंत्रण में मैकेनिकल अभियंत्रण के लिए डिप्लोमाधारी हो। भारत अभियंत्रण संस्थान भारत का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा ए और आ से संबंधित अभियंत्रण शाखा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा ए और आ के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की हो। यहाँ पर आप यूनाइटेड किंगडम के किसी अभियंत्रण महाविद्यालय से विश्वविद्यालय डिग्री धारक या डिप्लोमाधारी हो अथवा यथास्थिति सहायक अभियंता सैनिक के लिए सिविल एवं सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए मैकेनिकल अभियंताओं के संस्थान का सह सदस्य हो। आयु सीमा भी यहाँ पर देख सकते हो। आयु की गणना 1/8/2018 से की जाएगी। कम से कम 21 है और अधिकतम आयु यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला एवं निःसक्ता के लिए 42 वर्ष है। यहाँ से आप नियोजन अवधि चेक कर सकते हो, चयन प्रक्रिया भी देख सकते हो, गेट के माध्यम से इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, 26/11 से 15/12 तक आप इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन के इंस्ट्रक्शंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी phed.bih.nic.in, इस पोर्टल से आप इस पर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसको पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है और डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचने के बाद यहां से भी आप इस रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सैलरी, फीस आपको इस पर जमा नहीं करनी है, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जॉब लोकेशन बिहार में, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है, करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म डेट यहाँ पर दी हुई है 17/12/2018 से 24/12/2018 तक आप करेक्शन कर सकते हो। और इस पेज के एंड पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की टैब दी गई है, इस टैब पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।